चलो गाइस, तो पेप्सी पीते पीते आज कुछ नया बात डिस्कशन करेगा आप लोगों के साथ। मेरा अंदर जितना नॉलेज है हम जैसे आप लोगों को शेयर करेगा, और आप लोगों का साथ भी कुछ नॉलेज है तो हमको शेयर कीजिए, क्योंकि एक दूसरे का हेल्प करना इसी को इंसानियत बोलते हैं। लेकिन आजकल ये दुनिया में इंसानियत तो बचा नहीं है, फिर भी कुछ कुछ लोग का दिलों में अभी भी इंसानियत बाकी है। तो हम आप लोगों को मेरा थॉट्स, मेरा विचार वही हम शेयर करना चाहते हैं, ताकि आप लोग भी उसको अपना लाइफ में अप्लाई करो और लाइफ में कुछ करने का सोचो। सबसे फर्स्ट बात तो अभी पहले का जैसे लाइफ नहीं है, 21st सेंचुरी चल रहा है, तो इसमें बहुत सारा लोग अभी भी गवर्नमेंट जॉब का पीछे पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट जॉब का पीछे ना पड़ते हुए भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आजकल का ज़माना में। डिजिटल लाइफ है, हर किसी के साथ स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, तो बहुत चीज़ कर सकते हैं आप आजकल ज़माना में। जैसे कि हम भी ट्राई कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल है, अभी हम आपका सामने में हल्ला कर रहे हैं, ये भी यूट्यूब में वीडियो डाल के ही कर रहे हैं, तो बता रहे, क्योंकि कुछ तो चांस है इन फ्यूचर यहाँ से भी मेरा कुछ कमाई हो जाएगा आप लोग का सपोर्ट मिल के। तो डिस्कस जो करना था ना गाइस, वही है कि हम यहाँ पे किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म, किसी भी जात का बात नहीं करेगा, क्योंकि हर रिलीजन, भगवान एक है मेरा ले, गॉड एक है। रिलीजन जो डिवाइड किया है वो भी इंसानी किया है, गॉड गॉड बाइबल लिख के नहीं गया है, गॉड हिंदू का जो गीता है जो क्या बोलते हैं वो सब लिख के नहीं गया है, जो मुसलमान का है कुरान है वो लिख के नहीं गया है, वो सब कौन लिखा है? इंसान अपना हाथ से खुद ही लिखा हुआ है, कोई नहीं देखा है। ये भी कोई नहीं देखा है कि मरने के बाद तुम हेवन जाएगा ना हेल जाएगा ना क्या देखा है। तो आफ्टर डेथ मत सोचो, बिफोर तुम जब तक जिंदा है तब तक जो कुछ अच्छा कर सकते हैं एटलीस्ट वो करो, अभी प्रेजेंट में जियो, और फ्यूचर का बारे में भी इतना सोच सोच के ना अपने दिमाग खराब करके अपना जो प्रेजेंट को भी खराब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रेजेंट में अगर जीना सीखेगा ना तो हमेशा खुशी से जिएगा, अगर फ्यूचर को लेके सोच के बैठ जाएगा ना तो हम भी कभी भी एक स्माइल तक भी मेरा मुंह से नहीं निकलेगा सच का बोलेगा तो, क्योंकि हम ये फैमिली में पैदा हुआ है, ये है मेरा, ये है मेरा हाइट वो है, मेरा फेस वो है, मेरा इनकम नहीं है, मेरा नौकरी नहीं है, हम टैलेंट नहीं है, हम वो नहीं है, हम ये नहीं है देन सोच सोच के ना तुम हंसना भूल जाएगा, तुम जीना भूल जाएगा, खाना भूल जाएगा। इसलिए सोचना छोड़ो, सोचता है तो भी कुछ अच्छा चीज़ सोचो। कहीं ना कहीं आप भी सुना होगा या नहीं सुना है तो YouTube या तो गूगल गूगल में सर्च कर लो, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, यूनिवर्सल लॉ, अट्रैक्शन, ये सब के बारे में कुछ पढ़ो, सीखो। ऐसे ही बैठ के अपना जो जो टाइम है ना उसको वेस्ट करने से अच्छा कुछ अच्छा नॉलेज लो, क्योंकि आजकल जो डिजिटल दुनिया हुई है ना, मोबाइल फ़ोन है, सबका साथ है मोबाइल फ़ोन, तो ये चीज़ अगर आप इसको अच्छाई के लिए यूज़ करने से ना ये आपके लिए बहुत अच्छा भी है, और ख़राब के लिए यूज़ करने से ये बहुत ख़राब भी है। अगर आप अच्छा के लिए यूज़ कर रहे हैं, लाइक इसमें आप नॉलेज गेन कर रहा है, एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा है, फेसबुक पेज रन कर रहा है, या कुछ भी वेबसाइट रन कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा है, और यहाँ से आप बहुत सारा वीडियोस देख के नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। लेना आप यहाँ में फालतू का लड़की लड़का लाइन मारा मारी एंड फालतू मूवीज देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए ख़राब है, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, हम सीधा सीधी बोलेगा। आप कहीं भी एक बार जाकर सर्च कर लीजिए, अगर मेरा ऊपर बिलीव नहीं है तो, जितना भी ये दुनिया का जो रिचेस्ट मैन लोग हैं ना वो लोग को पूछ के देखो, आज उसके साथ दुनिया भर का पैसा है लेकिन भी वो अपना टाइम कभी ख़राब नहीं करेगा फालतू में, अपना 5 मिनट तक भी इवेंट, लेकिन हम लोग अपना क्या करते हैं पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। तो 5 मिनट भी वेस्ट करना मीन्स टाइम इज मनी बोलते हैं ना, वो उसी लोगों को पता है जो लोग ये चीज़ को समझते हैं ढंग से। बहुत सारा आप लोग देखा हुआ ये दुनिया में, कोई बहुत छोटा काम कर रहा है, लेबर काम कर रहा है, कोई भीख मांग रहा है, और कोई आराम से बैठ रहा है, कोई अच्छा से कमा रहा है, तो हर किसी का सोच थिंकिंग का हिसाब से ही होता है गाइस। कोई बहुत ज़्यादा वो करते हुए अपना काफ़ी अपने दिमाग को अपना लिमिटेशन में रख देते हैं कि हम तो पढ़ा लिखा नहीं है, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है, हम यही काम कर सकते हैं, हम इसी का लायक है, सोच के अपना ज़िंदगी उधरी बर्बाद कर देते हैं। उससे आगे कभी सोचने के लिए
सोचा ही नहीं, मतलब उसे आगे लाइफ में कभी सोचा ही नहीं कि उसका लाइफ में कुछ ड्रीम ही नहीं है, हम ये करेगा हम वो करेगा। अरे आपका लाइफ में कुछ ड्रीम ही नहीं हो ना, आप क्या भी करें, आप तो जिंदा लाश जैसे है ना, आप तो डेड बॉडी है। हम सीधा सीधी बोल रहे हैं आप डेड बॉडी है, अगर इंसान है और अभी आप यंग है ना, अभी आप ना बदन को ना तोड़ने तक काम करो, अभी आसान इजी लाइफ मत ढूंढो। अभी इजी लाइफ ढूंढिए ना तो बाद में डार्क में जीने वाला है। इजी में कुछ नहीं होते, दुनिया इजी में कुछ रखा हुआ नहीं है। आप कुछ भी करो, इवन आप यूट्यूब चैनल ही खोलो ना, इसमें भी अगर आप ना मेहनत नहीं करेगा ना, इसमें भी आपका भी सक्सेस होने वाला नहीं है। हम बता रहे हैं क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी ऑलमोस्ट कितना कुछ साल हो गया, अभी 1 साल 2 साल होने वाला है शायद, क्योंकि हम भी काम नहीं करता था इसलिए मेरा अभी ग्रो नहीं है, लेकिन अभी कुछ समय से कर रहा है क्योंकि अभी हम भी थोड़ा मेच्योर होते जा रहे हैं, तो दिमाग मेरा भी खुल रहा है, बहुत सारा चीज़ जाना लाइफ में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम अपना टाइम हम भी एक समय बहुत बर्बाद किया है, लेकिन बहुत सारा अभी हम सुधर गया और बहुत चीज़ सीखा है, बहुत वीडियोस देखा है, बहुत गूगल रिसर्च किया है, बहुत करने का बाद मेरा जो नॉलेज है वही हम आप लोग से गाइस शेयर कर रहे हैं, ताकि जो अभी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है स्ट्रगल कर रहे हैं, हर किसी को सोच के ही हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी आराम से बैठा नहीं है। देखिए आपके साथ सब कुछ लाइफ में पैसा होता है, आपके साथ पैसा है तो आप कहीं भी घूम सकते हैं, आप फ्री से रह सकते हैं, आपका फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, पैसे में तो आपको सब हर कोई आपको रेस्पेक्ट करेगा, भले ही आपका पीठ पीछे आपको कुछ भी बोलो ना, लेकिन हर कोई आपको रेस्पेक्ट करेगा आपके साथ अगर पैसा है तो। पैसा नहीं है ना आपको कोई पूछेगा भी नहीं, सच का बोल, कोई तो बोलो ना, आपका इवन रिश्तेदारी नहीं पूछेगा, फ्रेंड्स और दूसरा आदमी को तो छोड़ ही दो। इसलिए बोल रहे गाइस लाइफ में पैसा कमाओ और आगे बढ़ो, पैसा भी अगर गलत ढंग से मत कमाओ, आप चोरी ये सब करके कमाएगा मौत सोचो, क्योंकि वो सब करके आपका नाम बदनाम होगा। अगर चोरी करना है तो भी नहीं, एक ही सजेशन करेगा, डायरेक्ट करोड़ मिलियन का सबको चोरी एक ही बार में करो, तो चोर तो चोर है ना, जिससे आपका एक बार में लाइफ बन जाएगा ऐसा वाला चोर को करने से भी, झूठ मूठ का छोटा मोटा चोर करके आपका चोर का नाम का टैग भुगेगा और जेल का हवा खाने से अच्छा, आदमी से शर्म खाने से अच्छा करो ही मत वो चीज़। मेहनत करो, खुद का पैर में खड़ा करो कि कल को कोई, आज आपको कोई आपका फैमिली वाला कॉलोनी वाला कोई भी बोल रहे कि लड़का तो फालतू है, लड़की तो फालतू है, इधर घूमता है उधर घूमता है, अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, वो लोग को ना साबित करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ कि तुम ऐसे फालतू आदमी नहीं है, तेरा अंदर भी कुछ है, करके दिखाओ, मेहनत करो। मेहनत करने से ना हर चीज़ होता है, और आपको हम पहले बताया था ये कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड का बारे में, मेरा चैनल में इसी चैनल में नहीं होगा, मेरा दूसरा चैनल है नया जस्ट क्रिएट किया हुआ है, फर्स्ट वीडियो वही होने वाला है, वो वीडियो में हम 2-3 डेज से हम काम कर रहे हैं, अभी तक एक वीडियो के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, हम अपलोड करिएगा उसको आप देख लीजिए एक बार जाके काइंडली, हम चैनल का नाम भी हम मेरा डिस्क्रिप्शन में दे कर आप देगा, जाके सके तो सब्सक्राइब भी कर दो, अगर अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो उसमें जाके चैनल में जाके एक बार वॉच कर लो। हम लोग हर चीज़ सोच से होते हैं गाइस, सोच अपना दिमाग को ना आप पॉजिटिव, जो पुराना जमाने का आदमी लोग क्या बोलता था, एक हिंदी में भी कहावत है ना, शुभ शुभ बोलो, मतलब अच्छा अच्छा बोलो बोलते हैं ना, तुम अच्छा अच्छा बोलेगा ना तेरे साथ अच्छा अच्छा ही होगा, मतलब एफर्मेशन देना सीखो अपना आपको, एफर्मेशन हम अच्छा है हेल्दी है हम रिच है एवरी टाइम बोलना जरूरी नहीं, इसको भी बोलने का आपको टाइम होता है, क्योंकि आदमी का दो ब्रेन होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। सब कॉन्शियस माइंड एक बच्चा का जैसे होता है, जो आप उसको कुछ भी बोलो वो मान जाता है, और कॉन्शियस माइंड जो अभी हम यूज़ करके बोल रहे हैं क्योंकि हम जाग रहे पूरा होश में कॉन्शियसली आपको बात कर रहे हैं, तो ये है कॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड को पूरा मालूम है कि तुम क्या है क्या नहीं है, लेकिन तेरा सब कॉन्शियस माइंड को कुछ मालूम नहीं है, वो हमेशा तेरा नींद का समय में या तुम ऑलमोस्ट नींद में जाने वाला समय में एक्टिव रहता है, और कॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है तेरा, सॉरी सब कॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, तेरा कॉन्शियस माइंड सो जाएगा लेकिन सब कॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, वो हमेशा एक्टिव रहता है और हमेशा काम करता है, तो वही एफर्मेशन अपना आपको आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है ना वहाँ तक पहुँचाना है आपको, तभी जाके आप सक्सेस होगा, तो वहाँ से एक एनर्जी निकलते हैं, मालूम ही होगा एक एनर्जी है जो यूनिवर्सल लॉ है अट्रैक्ट करता है, नहीं बोलता है कि मनी अट्रैक्ट मनी, आपके साथ पैसा है तो पैसा ही अट्रैक्ट करेगा, अच्छा चीज़ वो करेगा तो अच्छा चीज़ ही अट्रैक्ट होगा, तो यही चीज़ है कर्मा और माँ ये सब चीज़ ना सही है, अगर आप अच्छा से ये सब के बारे जानेगा तो। सबसे बड़ा जो धर्म है ना वो कर्म है,
अगर आपको हिंदी मालूम है ना, तो सबसे बड़ा जो धर्म है वो कर्म है। अगर आप देखिए चर्च हो या कोई मंदिर हो, वहाँ पे अगर आप जाके भगवान को वहाँ पैसा डोनेट कर रहे हैं या कुछ भी डोनेट कर रहे हैं या कुछ खाने का फल फूल डोनेट कर रहे हैं कहीं भी हो, तो आप वहाँ करने से बेटर ना एटलीस्ट आपका चर्च का बाहर या मंदिर का बाहर या कहीं भी हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भूखा प्यासा वाला आदमी होगा या तो जानवर ही होगा। वो भी तो बेचारा एक फीलिंग्स है उसका भी, एक थॉट से हर किसी का वो है। आप एटलीस्ट वहाँ देने से अच्छा कोई भूखा नंगा को खिला दो ना, कुछ भी जो आप वहाँ दे रहे हो वही दे दो, एटलीस्ट ब्लेसिंग्स मिलेगा। ब्लेसिंग्स और दुनिया में ना सबसे बड़ा चीज़ ना ब्लेसिंग्स होते हैं। अगर आपको ब्लेसिंग्स मिला ना, आप ना ये चीज़ करके देखो, आपको दिल से बहुत ज़्यादा आराम सुकून लगेगा। सच क्या बोल रहे हैं? और हम ये नहीं बोल रहे कि हम भी बहुत ज़्यादा डोनेशन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम भी इतना ज़्यादा डोनेशन करने का लायक नहीं है। हम भी छोटा मोटा प्राइवेट जॉब करके रह रहे हैं, और लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मेरा भी ड्रीम है, क्योंकि ड्रीम होना ज़रूरी है। क्योंकि हम पहले भी बताएं, विदाउट ड्रीम आप कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। ड्रीम होगा तो आप ड्रीम का हिसाब से आप मेहनत करेगा, सक्सेस होगा एक ना एक दिन। तो ड्रीम होना ज़रूरी है। तो हम अपना बजट से जो थोड़ा मोड़ा कभी कुछ होता है, मेरा बस में जितना होता है, हम मेरे सामने कुछ भी ऐसे टाइप का आदमी मिलता है, कुछ भी मिलता है या जानवर भी हो, हम कुछ ना कुछ देता है, कुछ ना कुछ खिलाता है। या आप लोगों का सपोर्ट अगर अच्छा मिले यूट्यूब में, क्या पता कल को ग्रो हो जाओ या कुछ हो जाओ, तो ज़रूर और हेल्प करेगा, तो क्यों नहीं करेगा, और भी हेल्प करेगा जितना सके। भूखा नंगा आदमी को हेल्प करेगा, क्योंकि उसको करके ना एक दिल में जो आराम मिलते हैं ना, वो आराम आप कभी मरते दम तक भी नहीं सोच सकते। इसलिए आप अपना जो पैसा यहाँ वहाँ मंदिर मस्जिद चर्च में इधर उधर दान नहीं करके, अगर आपका सामने दान करो नहीं करो बोल के बात नहीं, वहाँ भी करो कुछ भी, लेकिन बेटर ऑप्शन आपका कोई भूखा प्यासा को खिलाना है। क्योंकि आप किसी का पेट भर रहे हैं, किसी का पेट भरने से ज़्यादा पुण्य काम कुछ और नहीं होते। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो जिसके लिए आपको कोई भी आदमी कभी भी नहीं बोल सकते कि तुम एक घटिया काम कर रहे हैं, मंदिर में चार्ज में नहीं देखे तुम ये भिखारी को क्यों खिला रहे, बोलने वाला ना ये सोच वाला आदमी ना सबसे घटिया किस्म का आदमी, उसको आदमी में काउंट नहीं करेगा। ये एक ही है गाइस, आज तुम जो है जैसा है वही है। तो ये दिन भी कितना दिन रहेगा, कब तुम मरेगा, कब जिएगा, कब कुछ होगा, फ्यूचर कोई नहीं देखे, कल क्या होगा कोई नहीं देखे, इसलिए प्रेजेंट में जियो दोस्त। और सबसे पहले बात ना, अगर आप लड़का हो या लड़की हो, अपना माँ को प्यार करो, अपना माँ को प्यार करो, अपना पिताजी को प्यार करो, क्योंकि वो आपका आपको दुनिया दिखाए। बहुत सारा आदमी है जो अपना माँ बाप को प्यार नहीं करते या देखता तक नहीं है, एटलीस्ट देखो हम वही बोल रहे हैं, क्योंकि कल को एक ना एक दिन आप भी माँ बाप बनेगा, आपको भी आपका बेटा बेटी कुछ ऐसा करेगा जो आपको आप अभी कर रहे हैं अपना पेरेंट्स के साथ। तो ये चीज़ मत कीजिए, बहुत बड़ा पाप है। तो आपको बड़ा आदमी का जो ब्लेसिंग्स होते हैं ना, वो हमेशा लगते हैं दिल में, तो ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिलेगा। अपना माँ को अपना पेरेंट्स को हमेशा प्यार करो, और लाइफ में तुम जो चाहता है वही करो, जो दिल में चाहता है, जो खुशी से चाहता है वही करो, जिसमें तुमको इंटरेस्ट है उसी में तुम कमाने शुरू करो, कुछ में भी। आजकल के ज़माना में ना बोलने से ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन है पैसा कमाने का, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। जस्ट अपना दिमाग जो बंद होकर बैठा है ना, उसको जस्ट खोलो खोलो, तुमको खोल रहा नहीं है, सिर्फ इतना एक लिमिटेशन में रहेगा लाइफ, जो हम ये है हम इतना ही कर सकते हैं उतना में रहेगा। बड़ा सोचो लाइफ में, बहुत बड़ा सोचो, बहुत बड़ा सोचेगा ना तब एटलीस्ट इतना भी तो होगा ना, तेरा कुछ सोच ही इतना होगा तो तुम क्या भी नहीं कर लेगा लाइफ में, कुछ भी नहीं कर सकेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा। सपना बड़ा करो, एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, कि एटलीस्ट किसी से 1 रुपया मांग के खाने की जरूरत नहीं है। अपना किसी को एक गर्व से सीना चौड़ा करके बोल सकेगा कि हाँ हम किसी से 1 रुपया खा के नहीं रह रहे, हम अपना दम में रह रहे हैं। तो ये चीज़ लाइफ में अभी से और आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। उसके बाद कभी मेरा ये चीज़ जो बोला वाला आपका दिमाग में, अगर आपका लाइफ में भी ना कुछ भी वोटी लगा है, कुछ भी काम आया है, तो आके प्लीज़ मेरे चैनल में यही वीडियो में आके कमेंट में बताओ, क्योंकि हमको भी लगेगा कि मेरा वीडियो ये बनाने वाला जो ऐसे लॉस नहीं गया,
किसी को काम आए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतना तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक देना ना भूले, तो उतना तक अपना अपना ख्याल रखें। जय हिंद।